नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई की तैयारी में फोर्स, सुकमा और बीजापुर में बनाए जाएंगे बेस। भाजपा कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे लक्ष्य से बड़ी जीत का फॉर्मूला देकर दिल्ली लौटे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। 52,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना, एक पखवाड़े में सोना 500 रुपए सस्ता। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक नक्सल प्रभावित जिले में सुकमा और बीजापुर में सीआरपीएफ दो नए फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस बनाएगी, जो कि सुकमा के डब्बा कोंटा में, बीजापुर के नम्बी में ये बेस बनाए जाएंगे। ये दोनों इलाके अत्यंत दुर्गम हैं और सरकार की पहुंच से बाहर हैं, और सीआरपीएफ के यहां तक पहुंचने से नक्सलियों का एक बड़ा आधार समाप्त हो जाएगा। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया है कि आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम दूर बसे क्षेत्रों में नए आधार बना रहे हैं। यहां फोर्स की सुरक्षा में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, राशन की दुकान, मोबाइल टावर आदि राज्य व केंद्र की विकास योजनाओं को पहुँचाने की तैयारी है। जिन क्षेत्रों में अब सीआरपीएफ पहुंच रही है, उसे यह स्पष्ट है कि बस्तर में नक्सलवाद से लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। मिशन 2023 में जुटी भाजपा अब छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे लक्ष्य से बड़ी जीत हासिल करने के फॉर्मूले पर काम करेगी। प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह मंत्र देकर दिल्ली लौटे हैं। प्रभारी बनने के बाद चार दिवसीय प्रवास पर पहली बार रायपुर आए माथुर ने कार्यकर्ताओं से अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर महीने हम प्रदेश में हम बड़ा आंदोलन ही करें, और हर कार्यकर्ता में बूथ स्तर में समस्याओं को लेकर निरंतर अपनी आवाज उठाएं। हम छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर भी हम अपनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। शादी सीजन में गहनों की खरीदारी करने वाली उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि अब सोना सस्ता होने लगा है। बता दें कि बीते 15 दिनों में सोना 500 रुपए सस्ता हुआ है, वहीं चांदी 1100 रुपए लुढ़क गई है। कल गुरुवार शाम रायपुर सराफा बाजार में सोना 52,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 60,500 रुपए प्रति किलो रही। इससे पहले 10 नवंबर को सोना प्रति 10 ग्राम 53,050 रुपए और चांदी 61,600 रुपए प्रति किलो थी। सराफा संस्थानों में इन दिनों खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ देखी जा सकती है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरक मालू ने कहा है कि खरीदारी का अभी अच्छा समय है, अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव में अभी कीमतें भी कम हैं, जिसका फायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों गोल्ड लोन की मांग भी काफी बढ़ गई है। बीते 10 महीनों में प्रदेश में बैंकों और गोल्ड लोन देने वाली संस्थानों से लगभग 380 करोड़ से अधिक के गोल्ड लोन बांटे गए हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।